Hi, hello friends. Welcome to Pulse Excel. So today in the session we are going to discuss Arrhenius equation from chemical kinetic chapter. Okay, so as we all are aware about that, your chemical kinetic chapter basically deals with the rates of the reaction, rate constant, then order and the molecularity of the reaction. But when we are going to talking about the, all the rates of your reaction, there will be the one more important factor which is known as what your temperature. Okay. So when the effect of temperature we are going to be study under the rate of the reaction. So whatever equation we will get, those equation basically is known as what your Arrhenius equation. तो Arrhenius equation में हम लोग क्या चेक करने वाले हैं कि आपका जो rate of the reaction होता है, how it will get affected by the temperature. तो यहाँ पे just basic यहाँ पे rule होता है, which is already you know that when you are going to be increase the temperature of your reactant general, तो क्या होगा, जैसे कि आपने अगर reactant का ही temperature जो होता है, if it is going to be increase, then molecules acquire the energy. तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एनर्जी वहां से क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड देन दे आर गोइंग टू बी स्टार्ट टू कोलाइड विद ईच अदर. ओके, बराबर. तो वहां पर उनके एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सो बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन द एनर्जी दे आर गोइंग टू बी लेवल अप हाई. तो उनका एनर्जी वहां पे क्या हो जाता है, हाई हो जाता है एंड देन आफ्टर सर्टन टाइम दे अगेन कम बैक टू देयर ग्राउंड लेवल. बराबर. तो ये जो पूरा आपका जो कंसेप्ट है, नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस बाय प्लॉटिंग द ग्राफ एज वेल एज बाय कंसीडरिंग द जनरल रिएक्शन. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन फॉर Arrhenius इक्वेशन. सो टेक अ लुक, हियर इज आई एम राइटिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. यहां पर ही आपका पूरा वर्क है. ठीक है. सो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वी शुड कंसिडर जनरल रिएक्शन, दैट इज योर ए रिएक्टेंट दैट गिव्स मी अ प्रोडक्ट पी. तो अब आपको सबको पता होगा दैट योर एनी केमिकल रिएक्शन व्हेन टेकिंग प्लेस, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और वी कैन आल्सो से ट्रांजिशन सेट. ओके, दैट विल बी हैपन टू ओवर हियर एंड आफ्टर क्रॉसिंग दैट व्हाट योर एनर्जी बैरियर दे कम टू द योर प्रोडक्ट स्टेट. तो जब आपका यहां पर कन्वर्जन होता है फ्रॉम व्हाट योर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, सो दैट विल बी व्हाट गो थ्रू बाय दिस ट्रांजिशन स्टेट. तो ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलता है, प्रोडक्ट यहाँ पर आपको फॉर्म होगा. बराबर. तो अब ये जनरल रिएक्शन को हम एक केमिकल रिएक्शन में स्टडी करते हैं. सो जस्ट सपोज आई कंसिडर ओवर हियर द हाइड्रोजन एंड आयोडाइन रिएक्शन. सो योर एच टू एंड आई टू कैन रिएक्ट देन वॉट विल हैपन एक्जैक्टली, नाउ जस्ट टेक अ लुक. सो हियर आई जस्ट टेक द एच टू एंड द आई टू मॉलिक्यूल. सो इन द फर्स्ट केस व्हेन योर रिएक्शन विल बी स्टार्टेड, ओके, सो एट दैट टाइम initially the hydrogen bond will be break down, okay, and then second your I2 bond will be break down, or we can say the second chance these bond migrate towards the hydrogen, whereas the H2 ke beech mein jo bond hai that going to be migrate towards the your I. ओके, तो उसके बाद आफ्टर ब्रेकिंग दिस टू बॉन्ड्स, ओके, यहां पर हमें क्या होगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ योर ट्रांजिशन स्टेट विल बी टेकिंग प्लेस. सो these dotted line what your indication of your what bond breaking. ठीक है, तो ये लाइन हमें यहाँ पे क्या शो करेगी, दैट योर बॉन्ड विल बी ब्रेक डाउन. सिमिलरली दिस लाइन, और यहां पर जो मैंने पिंक लाइन बनाया दैट लाइन एक्चुअली शोज यू द बॉन्ड फॉर्मेशन, वॉट बॉन्ड फॉर्मेशन. सो दिस इज हाउ What will happen? The H2 और I2 के बीच में होगा जो bond, वो पहले क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा और वी कैन से the migrate to each other. Then your bond will be breaking and the bond formation. तो जब आप bond breaking as well as the bond formation you are going to be show into the one structure, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं your transition state, means your what your transition state we can say an activated complex. Now these activated complex having very less lifetime which is highly unstable, so immediately this molecule will be what your decompose, or decompose hone ke baad kya hoga, jo bond formation yaha pe ho raha hai they are going to be immediately bond the form and this is how we will get here this product, or ise hum log aise bhi likh sakte that 2HI molecule. करेक्ट. तो ये हुआ हमारा पूरा रिएक्शन. अब ये जो रिएक्शन जो हो रहा है आपका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वाया योर ट्रांजिशन स्टेट और थ्रू ट्रांजिशन स्टेट बाय द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, तो यहां पर जो आपका एनर्जी जो बैरियर है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी. तो वो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स व्हाट, नाउ आई एम गोइंग टू बी टेल यू. सो फर्स्ट टेक अ लुक द डेफिनेशन फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी ओवर हियर. द
excess energy, okay, that the reactant molecules having energy less than that of the threshold energy. बराबर, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब यहाँ पर होता है बच्चों ग्राउंड एनर्जी, ठीक है, तो उससे भी ज्यादा यहाँ पर हम लोग एक्सेस एनर्जी यूज करते हैं फॉर द रिएक्टर मॉलिक्यूल टू गो टू द हायर लेवल. और वो हायर लेवल पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वी हैव टू जस्ट सपोज टू इंक्रीज आर टेम्परेचर ओवर हियर. सो यहाँ पर अब हम लोग क्या स्टडी करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सो दिस इज द स्टेटमेंट दैट द एक्सेस ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी का मतलब यहाँ पर एंथैल्पी जो है वो भी टर्म आप यूज कर सकते हैं, बोथ आर दी सिमिलर. So the excess energy that the reactant molecule having energy less than that of the threshold energy must acquire in order to yield product. और ये energy यहाँ पे होना बहुत जरूरी है to get the your product. So to yield the product. So now just take a look. I just plot one diagram over here. So from that diagram you should clear your all the doubt. So these will be your energy plot. Means on the y axis we plotting the energy. You can say the enthalpy also. The x axis will be progress of the reaction and also you can write down the reaction coordinate, right? Anything. आप progress of reaction लिखते हैं तो भी चलेगा या फिर reaction coordinate, ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, you are reactant A, okay, when converting into the product P. So A to P, जब वो transit हो रहा है, so they are going to be passing through the your transition state. तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा रिएक्टन है, हम लोग रिएक्टन को थोड़ा सा टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ाकर देते हैं या फिर वी आर गोइंग टू बी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ योर रिएक्टन विल बी स्टार्टेड टू कोलाइड. आफ्टर द टेकिंग द कोलाइड दे आर गोइंग टू बी इंक्रीज द एनर्जी, तो उनका एंथैल्पी यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा. देन आफ्टर इंक्रीज द एनर्जी दे आर गोइंग टू बी लेवल अप हाई, ठीक है. तो ये जो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है फ्रॉम ए टू योर ट्रांजिशन स्टेट, तो ये यहां से ये लेवल तक जाने के लिए टिल टू गेट द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिस प्रोसेस विल बी टेकन प्लेस वेरी स्लो. व्हाट, वेरी स्लो. देन आफ्टर डाउन वंस दे आर गोइंग टू बी रीच टू द टॉप, मींस रीच टू द ट्रांजिशन स्टेट, इमीडिएटली दे आर गोइंग टू बी डीकम्पोज एंड कम डाउन टू द प्रोडक्ट. तो ये जो स्टेप होता है ये आपका इमीडिएटली हो जाता है, वी कैन कॉल्ड इट एज अ वेरी फास्ट, ठीक है. अब आप अगर देखते हो तो आप जब रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट जाते हो, योर रिएक्शन शुड बी कंसीडर्ड इन अ स्लोअर रेट, वेयर दिस ट्रांजिशन स्टेट टू द प्रोडक्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ फास्ट. ये भी आपका जनरल हुई, जैसे कि आपको जब नीचे से ऊपर जाना होता है तो सो यू रिक्वायर द टाइम, बट वंस यू आर गोइंग टू बी रीच द टॉप एंड कमिंग डाउन आप इमीडिएटली आ जाते हो. तो सेम थ्योरी यहाँ पर भी है, ठीक है. तो इसके लिए हम काइनेटिक में जब रेट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग स्लो जो है आपका यहाँ पर रिएक्शन उसे हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं. उसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बिकॉज इससे हम लोग रेट डिटरमाइन कर सकते हैं. वेयर द फास्ट रिएक्शन में वो इमीडिएटली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डीकम्पोज हो रहा है, तो हम लोग उसका रेट नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है. सो दीज आर द यूर अगेन काइनेटिक पॉइंट. सो दीज आर द एक्चुअली गैप बिटवीन द योर व्हाट नाउ रिएक्टन. तो यहां पर मैंने लेवल अप कर लिया. सो द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टन यहां से यहां तक एंड योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मीन्स योर ट्रांजिशन स्टेट. सो दीज एक्चुअली एनर्जी डिफरेंस बेसिकली नोन एज व्हाट, यूर एक्टिवेशन एनर्जी. आई होप सो यू शुड गेट. सो ओवर हियर योर एक्टिवेशन एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट योर स्टूडेंट, द एंथैल्पी ऑफ योर ट्रांजिशन स्टेट. Do you get that point? The enthalpy, मतलब energy of your transition state minus energy of your what? Reactant. Means what your energy of the reactant means your enthalpy of the reactant. तो ये जो आपका gap जो है, ठीक है, उसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं activation energy. So whereas the your threshold energy का मतलब यहाँ पर क्या है student? So threshold energy मतलब ये आपकी ground level. तो इसे हम लोग बोलते हैं student एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट विच इज टेकन प्लेस फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप. तो ये जो पूरा डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी. और अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका यहाँ पर व्हाट इज अ टोटल एंथैल्पी. तो टोटल एंथैल्पी जो होती है मीन्स योर एंथैल्पी ऑफ योर रिएक्शन. तो ये आपकी क्या है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. अब यहाँ पर टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, सबको पता है, व्हेन यू आर गोइंग टू बी व्हाट, सब्ट्रैक्ट एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट. तो ये जो गैप है इन बिटवीन दिस टू, आई एम जस्ट एक्सट्रापोलेट, तो यहां से लेकर यहां तक, तो ये जो आपका गैप है दैट एक्चुअली इंडिकेट्स द टोटल व्हाट यूर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विच इज नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ द यूर प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टर. ओके,
I hope so you should understand now completely what is the meaning of your activation energy, transition state, your total heat of the reaction means what, then your threshold energy means what, then how we are going to be carried out the total reaction, which reaction will be slow, which reaction will be fast. Okay, now we came to the our main target, that we have to derive the Arrhenius equation from this concept. So let us start with that part. Okay, now after understanding this graph, the one more theory according to your Arrhenius theory. So what actually Arrhenius explain over here, that here one more important part, that according to Arrhenius theory, ab unhone kya bataya, that according to Arrhenius theory, as the temperature jo hota hai, okay, as the temperature of the reaction increase, reactant what molecules acquire the thermal energy. Okay, so as soon as they acquire the thermal energy, okay, their collision frequency also going to be increases. So as a result, what will happen, the more molecules, to jiske hamare reactant ke molecules se jyada, they are going to be reached to the transition state and to form the here activated complex. Barabar. After that, these fraction of the molecules, okay, तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर रीच होते हैं ऑन द टॉप मींस योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन होता है, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच कन्वर्टेड इनटू द ट्रांजिशन स्टेट, ओके, वो हमें यहाँ पर दिया है Arrhenius ने. तो वो एक्सप्लेनेशन, वो कंसेप्ट उन्होंने क्या बताया, दैट योर एफ मीन्स योर फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच कन्वर्टिंग इनटू द योर ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज नथिंग बट ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, वेयर ई आपको पता ही है, ई का यहां पर मतलब है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज योर गैस कांस्टेंट, टी इज योर टेम्परेचर, वेयर एज एफ मींस योर फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल. सो इफ दीज आर द एक्चुअली टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच रीचिंग फ्रॉम योर रिएक्टेंट टू द ट्रांजिशन स्टेट, सो ये यहां पर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, योर फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन विच इज वॉट योर स्लो रिएक्शन. तो ये हमारा यहां पर क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. तो दिस इज वाई by your kinetic rule, that your therefore the rate constant is directly proportional to your fraction of the molecules. Okay, so if your k is equal to f, so what will be the equation, that k is directly proportional to what, e raised to activation energy upon rt. Now if I am going to be remove this proportionality, what will get, a e raised to minus e upon rt. So here a will be your proportionality constant. Okay, so now whatever equation we will get here, that rate of the reaction is equal to a e raised to e upon rt. So this equation one actually known as what, your Arrhenius equation. तो ये equation आपका क्या है, यहाँ पर Arrhenius equation है students, जो कि हमें क्या बता रहा है, that your rate of the reaction. तो ये equation का मतलब क्या है, properly सुन लीजिए, as soon as you are going to be increase the rate of the reaction means you are going to be increasing the temperature, so there will be the direct correlation. So this is the effect of the temperature what put forward by the Arrhenius. So उसके लिए इस equation को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, Arrhenius equation, which illustrate to you that by increasing the temperature you are going to be increase the value of k. Okay, now I am going to be taking what, logarithm on the both the side. तो यहाँ पर अगर मैंने log डाला, तो what equation we will get, that log k is equal to log a, अब minus इसका ये क्या है, natural logarithm है, तो वो directly क्या convert होगा, e upon rt. आया समझ में? And then afterwards, okay, after putting this value for the two different temperature, अगर मैंने ये equation को, ठीक है, क्या किया, दो इक्वेशन के लिए अप्लाई किया, मींस इन बिटवीन द टू टेम्परेचर ऑफ द रेंज. तो उसके बाद मुझे यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, नाउ आई एम जस्ट सपोज टू, ठीक है, पुटिंग दिस इक्वेशन फॉर द टू वैल्यूज, ओके. तो मुझे यहाँ पर ये सेम इक्वेशन, हाउ आई एम गोइंग टू बी राइटिंग डाउन, दैट देयरफॉर लॉग के वन इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, एक इक्वेशन आपको यहाँ पर मिलेगा बराबर. और सेकेंड सिमिलरली log k2 माइनस log a देन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन. नाउ इफ आई एम गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टिंग, ओके, दिस इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन टू, व्हाट आई विल गेट ओवर हियर, देयरफॉर दैट log, ओके,
k2 upon k1. I'm just going to be divide that e upon r, then 1 upon t1 minus 1 upon t2. This is just a rearrangement student, but it's not difficult. So, this equation aapko finally jo mila hai, wo hai hamara what? Arrhenius equation in terms of log. Ab yahan par jo hum log lete hain, कन्वर्जन जो आपका होता है जाके लॉग का नेचुरल लॉगरिथम जो होता है इफ आई एम गोइंग टू बी कंसीडरिंग दैट पार्ट तो वो नेचुरल लॉगरिथम होता है आपका वैल्यू दैट इज 2.303 लॉग के2 अपॉन के1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर देन हियर विल बी व्हाट स्टूडेंट यू विल गेट दैट t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय t1 t2 just cross multiplication so the equation 6 basically we are going to use to calculate what your activation energy okay so the activation energy of a reaction is obtained by measuring the your rate constant k1 as well as the k2 okay even two different temperatures t1 and the t2 okay so this is how we are going to be completing our session means your Arrhenius equation but basically aapka Arrhenius equation kaha pe khatam hota hai students so these are the aapka main equation hai kaun sa that k is equal to a e power em upon rt jo ki aapko kya show karta hai Arrhenius equation that is going to be shows you the effect of temperature on the rate of the your reaction okay I hope so you should understand thoroughly now I am going to just supposed to show you the one of the problem from this activation energy now we are going to be started with our problem session So now take a look over here the one problem I just could write it down okay so just first I'm going to be read out that problem so take a look problem one calculate the activation energy aapko find out karni hai of a reaction whose rate constant is triple matlab jiska rate constant jo hai k value jo hai wo kya ho rahi hai yahan par triple ho rahi hai by 10 degree celsius rise in temperature matlab wo rate constant value kab aapka increase hoga triple hoga jab aapka 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है राइज हो रहा है बराबर इन द विसिनिटी ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस अब विसिनिटी का यहाँ पर मतलब होता है टू नियर बाय मतलब जब 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ठीक है वो आ रहा है या फिर एक्सीड हो रहा है मतलब वहां तक जाने तक उसके जाने के बाद तो उसे हम लोग बोलते हैं विसिनिटी तो उसकी विसिनिटी टूवर्ड्स ओके ये टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद आपका रेट कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट ट्रिपल हो रहा है तो ये जो 10 डिग्री सेल्सियस का जो यहाँ पर कंसेप्ट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ सो वॉट इज एक्चुअली दैट 10 डिग्री सेल्सियस मीनिंग सो वेन वी आर गोइंग टू बी कंसिडर ओके द रेशियो ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन एट टू टेम्परेचर्स What I am going to be again told to you that when the ratio of the okay rate constant of a reaction at the two temperatures which is differ by 10 degree Celsius okay is known as what your temperature coefficient of the reaction. तो उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं temperature coefficient of the reaction. Okay. Now यहाँ पर आपको ये पता है अभी temperature T1 तो हमें पता नहीं है but T2 हमें दिया है उन्होंने randomly that 27 degree Celsius. So write down the given data. So T2 यहाँ पर आपका क्या है दैट 27 डिग्री सेल्सियस तो वो कितना होगा यहाँ पर बच्चों 300 केल्विन बराबर तो ये हमें विसिनिटी दे अब विसिनिटी का मतलब क्या है 300 के आसपास हमें ऐसे दो टेम्परेचर को यहाँ पे कंसीडर करना है जिसका डिफरेंस हमें यहाँ पर कितना मिलना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस आई एम गोइंग टू बी वंस अगेन टोल्ड यू अगेन प्रॉपरली याद रख लिए अब विसिनिटी यहाँ पर हमें पता है कि 300 केल्विन आपको टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसके हमें आसपास ऐसे दो टेम्परेचर यहाँ पे कंसीडर करने हैं जिनका डिफरेंस हमें यहाँ पे कितना मिलना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस मिलना चाहिए ठीक है तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये टेम्परेचर लिया और ये मैंने दूसरा टेम्परेचर यहाँ पे कंसीडर किया तो अगर मैंने 305 में से मैंने 295 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट 10 ये मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है डिफरेंस सो दिस इज वाई आई एम गोइंग टू बी कंसिडरिंग ओके दैट योर T1 टेम्परेचर ओके तो T1 यहाँ पर हम लोगों ने क्या कंसीडर किया 295 लिया ठीक है और T2 फिर हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर क्या किया 305 को आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड अब यहाँ पर बच्चे बोलोगे आप T2 मतलब 300 ये तो ये 300 आपको क्या दिया था विसिनिटी सो अब यहाँ पर आपको एक्चुअल में वैल्यू निकालना है जो हमें ये 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर हमें ये दो फिगर लेने पड़ेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन हमें यहाँ पे एक्जैक्टली 10 का डिफरेंस मिलेगा तो ये हुआ आपका T2 ये हुआ आपका T1 ओके नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अब रेट कॉन्स्टेंट जो है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है दैट ट्रिपल मतलब ln K2 अपॉन K1 आपको यहाँ पर कितना दिया है 3 इज ऑलरेडी गिवन टू यू अब फाइंड आउट क्या करना है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है सो तो फाइंड आउट आपको मिल गया अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको कौन सा यूज करना है एक्टिवेशन एनर्जी का दैट ln K2 अपॉन K1 ये अपॉन आर
t2 माइनस t1 एंड t1 अपॉन t2। तो अब देख लीजिए हम लोग सारी वैल्यूज यहाँ पर डाल देते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी अगर यहाँ पर है तो ये सारी यहाँ पर टर्म क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो ठीक है, ये तो एज सच यहाँ पे रहेगा। तो लैन k2 अपॉन k1 कितना दिया है मुझे, 3 बराबर। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया लैन 3, तो ये टोटल वैल्यू यहाँ पर वैसे ही रहेगी। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है आपको, टोटल वैल्यू जो आपको यहाँ पर दी है, गैस कॉन्स्टेंट यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, विच इज 8.314। अब टी वन टी टू यहाँ पर भी जाएंगे तो ऊपर जाएंगे 305.295 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होगा ये आएगा इज इक्वल टू के साइड डिवाइड होगा। सो टी टू माइनस टी वन कितना मिला था मुझे, 10। आया समझ में, वैल्यू डाल दी। अब ना सॉल्व, अब सिंपल, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो लैन 3 को मुझे नेचुरल लॉगरिदम में कन्वर्ट करना है। तो उसका वैल्यू लैन का क्या यहाँ पर होता है 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10 3, ये वो आपका टोटल वैल्यू यहाँ पर लैन 3 का। तो यहाँ पर हम लोग पहले इमीडिएटली लॉग 10 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, विच इज नथिंग बट दी 0.4771। दीज आर द एक्चुअली वैल्यू ऑफ व्हाट यूर लॉग 10 3, ठीक है, लॉग 10 मतलब नेचुरल लॉगरिथम। अब ये जो सारी वैल्यू इमीडिएटली हमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू द लॉगरिथमिक फॉर्म। अब ये सबको पता है, जब आपके सारे मैथमेटिकल फिगर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और जब हम उसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हमें सबको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एड करना पड़ता है, और अगर वो डिविजन में होता है तो उसे हम लोग माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो टेक अ लुक, एंटी लॉग, लॉग ऑफ 2.303, लॉग ऑफ 3 तो ऑलरेडी मैंने लिखा है, उसका वैल्यू था 0.477, तो उसका लॉग यहाँ पर लेंगे। देन लॉग ऑफ 8.314, लॉग ऑफ 305, लॉग ऑफ 295 माइनस, हाँ बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, पर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ 10, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इसके बाद माइनस लॉग ऑफ 10 होगा, बट लॉग ऑफ 10 अभी यहाँ पर क्या है आपका, टोटली जीरो वैल्यू है, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज लॉग 10 विल बी 0 0, तो सब्ट्रैक्शन के बाद आपको कुछ मिलने वाला नहीं। नाउ टेक अ लुक, इसका आपको अभी लॉग लेना है यहाँ पे स्टूडेंट, बच्चों आना चाहिए। इफ यू डोंट नो द लॉग, यू शुड प्लीज लर्न हाउ टू कैलकुलेट द लॉग एंड एंटी लॉग, कैसे उसको डिटरमाइन करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के पहले आपका 1 डिजिट है, राइट, ओनली 1 डिजिट, तो इस 1 डिजिट में से मैंने 1 माइनस किया तो मुझे कितना मिला है, 0, तो 0 विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक। सो यू कुड सी, मतलब आपको लॉग अब किसका देखना है, 23 का 0 3, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू कितना मिला, 3623। अगेन पॉइंट के पहले, डेसिमल के पहले यहाँ पे डिजिट कितना है अपना 1, बट वो क्या है आपका, 0 है, तो 0 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक 1 बार। पॉइंट लॉग किसका देखेंगे, 47 का 71, सो यू विल गेट दिस वैल्यू। अब 8.314 अगेन डेसिमल के पहले सिंगल 1 वैल्यू, माइनस 1, 0, 0.83 का 14, 9198। अब यहाँ पर टोटल डिजिट कितने हैं, 1 2 3, 3 माइनस 1 2, तो 2 आपका यहाँ पे क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट लॉग किसका देखेंगे, 30 का 5, यू विल गेट दिस लॉग। अगेन 295 3 डिजिट, -1, 2 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, 29 का 5। अब सारा लॉग हम लोगों ने निकाल लिया, एड कर दीजिए, यू विल गेट 5.9148। अब यहाँ पर मुझे एंटी लॉग किसका देखना है, 48 देखेंगे, ठीक है। सो आई विल गेट ओवर योर वैल्यू दैट 82 एंड 19, ठीक है। अब ये वैल्यू मिली, बट यहाँ पर मुझे बताया डेसिमल के पहले डिजिट कितने दिए, 5, तो इसके मतलब यहाँ पर मुझे जो पॉइंट डालना है वो मुझे 5 के बाद डालना है। सो 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगी 0 4। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द ओवीओ वैल्यू 82190। अब यूनिट क्या है, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, बराबर। तो यूनिट आपको यहाँ पर मिलेगा जूल पर मोल, बट अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, किलो जूल पर मोल में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000, तो यहाँ पर आपका पॉइंट होगा 82.190 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी कैलकुलेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग दिस व्हाट फॉर्मूला, ओके। आई होप सो यू शुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली दैट हाउ टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी एंड व्हाट विल बी द यूर अरेनियस इक्वेशन। सो व्हाट इज स्टूडेंट यूर अरेनियस इक्वेशन, आपने क्या डिटेक्ट किया यहाँ पर अरेनियस इक्वेशन, मतलब व्हाट थिंग्स यू आर गोइंग टू बी means understand. So your Arrhenius equation is what, that k is equal to a raised to ea upon rt. तो ये है आपका यहाँ पर Arrhenius equation, okay, which shows you that as soon as you are going to be increasing the temperature means you are going to be increasing the value of k, means your rate of the reaction, means your rate constant, okay. So if you like this video, so don't forget to subscribe us, and thanks a lot for watching. Thank you.